इस वीडियो में मैं आपको पैर निकालने की इम्पोर्टेंस समझाता हूँ। अब यहाँ आप ऑब्जर्व करो कि बैट्समैन का पैर कहाँ गया है और बॉल पिच कहाँ हो रहा है। तो इस पॉइंट पर इन्होंने छोटा पैर निकाला और प्लांट हो गया, और अब ये देखो कि बॉल पिच किधर हुई है। अब बिकॉज इस पोजिशन पे बैट्समैन का वेट ट्रांसफर हो चुका है, ही हैज नो ऑप्शन बट टू हैंग हिज बैट। तो यहाँ पे बैट का बॉडी से दूर होना छोटा पैर निकालने का नतीजा है। अब इस बॉल को अगर हम फिर से देखें और सोचें कि इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो आइडियली इतना छोटा पैर निकालने के जगह आपको लंबा पैर निकालना पड़ेगा सो दैट आप बॉल के पिच तक पहुंचो। जैसे रेफरेंस के लिए उसी बॉल पे अगर आप इतना पैर निकालते तो 1 आप बॉल पे चढ़ के खेलते, 2 आपका बैट बॉडी से दूर नहीं जाता, एंड 3 बैट एंड बॉल का कनेक्शन 100% होता। सो थिंक अबाउट दिस एंड ट्राई इट। मेरी गारंटी है आप स्पिन बेटर खेलना शुरू कर दोगे।